हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम मनोहर लाल ने रविवार को जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का आगाज उन्होंने कालका मंडी में आयोजित रैली से किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की यात्रा 8 सितंबर तक चलेगी। रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए चेतावनी भी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 इसलिए खत्म किया ताकि वहां विकास हो सके। मुख्यमंत्री रोहतक में 8 सितंबर को आशीर्वाद यात्रा समापन करेंगे। इस मौके पर वो पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। गोहाना और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 19 जगहों पर भाषण और स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के मद्देनजर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ बड़ौदा में 6 सभाएं रखी गई हैं। हरियाणा में अपनी ही पार्टी कांग्रेस से नाराज चल रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवर्तन रैली में राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की राजनीति दोराहे पर है। 5 साल से राज्य सरकार ने आपसे रंजिश, दंगे और अहंकार की राजनीति की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच में R9 टीवी के सूत्रों का दावा है कि फिलहाल वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे। हुड्डा की तरफ से आयोजित रैली में संकेत मिले हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी अगले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट हुड्डा को सौंपेगी। ये कमेटी भविष्य की राजनीति पर जनता की भावना जानेगी। अम्बाला में कल से हो रही लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। शहर की गलियां जलमग्न हो चुकी हैं, नालियां अटी पड़ी हैं। जलभराव के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी यमुना नदी के तटबंध में कटाव की वजह बन रहा है। खतरे के चलते पानीपत समेत नदी के किनारे बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि आज देर रात तक पानीपत में यमुना का पानी पहुंचेगा। लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना किनारे बसे गांव के साथ करनाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को शिफ्ट करने के लिए सभी विभागों को तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 4,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जो कि 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना उफान पर है। ऐसे में हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली में यमुना के किनारे बसे इलाकों के लिए आफत बन सकता है। फतेहाबाद में मामूली सी बात पर दो पड़ोसियों के बीच में जमकर मारपीट हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि पत्थरबाजी और फायरिंग तक हुई। इस दौरान बीच बचाव करने आए एक गैस एजेंसी के मैनेजर को गोली लग गई, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस दोनों पड़ोसियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है।